नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बीएड कॉलेजों में 33,000 छात्रों के दाखिले में हुई देरी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, कुलपति को किया तलब। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के बीएड कॉलेजों में 33,000 छात्रों के दाखिले में हुई देरी पर अपनी नाराजगी जताते हुए नोडल यूनिवर्सिटी के कुलपति को तलब किया है। राज्य के विभिन्न निजी व सरकारी बीएड कॉलेजों में 33,000 छात्रों के दाखिले में काउंसलिंग के तौर तरीके में पारदर्शिता की कमी को लेकर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने दाखिला करने वाली नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति को 28 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति को कोर्ट के समक्ष एक ठोस योजना को लेकर कल कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके तहत इसी सत्र में 33,000 सीटों पर दाखिला कानूनन संभव हो सके। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके साही ने कोर्ट को बताया कि सीटी देने वाले लाखों अभ्यर्थियों में 88,000 अभ्यर्थी पास किए गए, फिर भी मात्र 50% सीट पर ही दाखिला हो सका। सिर्फ रोल नंबर को आधार मानने की वजह से ही काउंसलिंग की प्रक्रिया में ज्यादा गड़बड़ियां रही। कोर्ट ने इन सभी शिकायतों को अत्यंत गंभीरता पूर्वक लेते हुए कुलपति को कल को तलब किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर यानी कि आज होगी। तारापुर की चुनावी जनसभा में नीतीश पर बरसे लालू, कहा जनता को डराते हो नीतीश, तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बन गया था। बीते बुधवार को तारापुर में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। लालू यादव ने तारापुर में चुनावी रैली के दौरान कहा कि नीतीश कुमार लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, सच बोलने वाले और रोजगार की मांग करने वाले युवाओं को जेल में डाला गया है। लालू यादव ने ऐलान किया है कि यह लड़ाई सरकार और आम आदमी के बीच, सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसे हर हाल में जाना होगा। इतना ही नहीं, लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बेईमानी से मुख्यमंत्री बन गया है। लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव ने बीते विधानसभा चुनाव में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने खेल कर दिया। लालू यादव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार को सीधी चुनौती दे डाली। लालू ने अपने अंदाज में कहा है कि अब बम चली चाहे गोला, अब तो जीतेगा भोला। लालू ने कहा कि अब डरवाने से काम नहीं चलेगा, नीतीश कुमार डर की राजनीति बहुत दिन कर चुके हैं, लोग अब हकीकत समझ रहे हैं। इतना ही लालू यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने कसम खाया था कि वह मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उनके इस दिखावे का क्या हुआ। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मना सकेंगे छठ पूजा, डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा अब दिल्ली में भी मनाई जाएगी। दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति दी गई है। डीडीएमए की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति मांगी थी। इसे लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी की डीडीएमए के चेयरमैन अनिल बैजल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा था, जिसके बाद डीडीएमए ने बीते बुधवार को बैठक बुलाई थी। डीडीएमए की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब दिल्ली में लोक आस्था का महापर्व का आयोजन होगा। दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों पर इसका आयोजन किया जाएगा, हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। बिहार में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल, पटना में एनएमसीएच के प्रिंसिपल का घेराव, वेतन बढ़ाने के लिए धरने पर बैठे डॉक्टर। इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। पटना के दो बड़े अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच में डॉक्टर धरने पर बैठ गए हैं। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने एनएमसीएच के प्राचार्य से भी मुलाकात की है। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के कारण पीएमसीएच और एनएमसीएच में मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। बिहार के अन्य अस्पतालों में भी मरीज काफी परेशान नजर आ रहे हैं, इलाज में बाधा आ रही है। हड़ताल के कारण कई अस्पतालों में ओपीडी और कुछ अन्य विभागे ठप हो गई है, जिसकी वजह से मरीजों के इलाज में काफी बाधा आ रही है। इमरजेंसी सेवा को छोड़ किसी भी सेवा में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं गए हैं। इधर पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश बढ़ गया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल से इन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें कि पिछले साल 2020 के दिसंबर महीने में कोरोना काल के दौरान 10 दिनों की हड़ताल के बाद सरकार ने मांगे मान ली थी, लेकिन अब तक नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उस पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण जूनियर डॉक्टरों में नाराजगी देखी जा रही है।
लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत 8 नवंबर को नहाय खाय के साथ होगी। महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते बुधवार को पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित कई अन्य मंत्री भी सीएम के साथ मौजूद थे। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। स्टीमर से गंगा के कई घाटों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। गंगा घाटों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राज्य सरकार की तरफ से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। घाटों की साफ सफाई से लेकर अप्रोच पथ की मरम्मत सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। छठ पूजा से पहले कार्यों को पूरा करने का निर्देश पहले से ही दिया जा चुका है। कार्य की प्रगति को देखने बुधवार को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित कई अधिकारियों ने गंगा घाट का निरीक्षण किया। बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन भी रुकेगा। 12 दिसंबर के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी पूरी। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया बाधित हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है और इसी कारण माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई है। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर एक और बड़ी खबर जल्द ही सामने आ सकती है। अब प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को भी स्थगित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी कर सकता है। आपको बता दें कि बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जुलाई 2019 से चल रही है। जुलाई और अगस्त 2021 में दो चरणों में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। इन दो चरणों की प्रक्रिया में 85,920 पदों के ऊपर केवल 38,014 शिक्षक के चयनित हुए हैं, जबकि 47,906 पद अभी भी खाली हैं। इनमें से ज्यादातर महिला कोटे के लिए आरक्षित है। राज्य की 9,000 नियोजन इकाइयों में से 1,300 इकाइयों में तकरीबन 14,000 शिक्षक पदों पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने की तैयारी में था। इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से निदेशालय ने शेड्यूल को लेकर सुझाव भी मांगे थे, लेकिन पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद शिक्षक समेत सभी जिला शिक्षा प्रशासन और स्कूल परिसर में चुनाव की गतिविधियां होने से नियोजन की कार्रवाई रुक गई है। बिहार में खुलेंगे 21 नए सीएनजी स्टेशन। जानिए किस किस शहर में खुलेंगे। औरंगाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में अगले दो माह में दिसंबर तक 21 नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। इसके बाद पटना में अभी सीएनजी स्टेशन की कुल संख्या बढ़कर 18 हो जाएगी। फिलहाल पटना में 12 सीएनजी स्टेशन कार्यरत है, जबकि बेगूसराय में 2, रोहतास, गया, नालंदा में 1-1 सीएनजी स्टेशन काम कर रहा है। बुधवार को नए सीएनजी स्टेशन की स्थापना एवं पाइपलाइन के विस्तार के संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने गेल, आईओसीएल, थिंक गैस, आईओजीपीएल सीएनजी प्रोवाइडर्स के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी संबंधित कंपनियों को निर्देश दिया है कि प्रमुख शहरों में नए सीएनजी स्टेशन खोलने की कार्रवाई करे, ताकि सीएनजी चालित वाहनों को आसानी से सीएनजी उपलब्ध कराया जा सके। परिवहन सचिव के समक्ष सभी कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा सीएनजी स्टेशन के प्रगति एवं भविष्य की योजनाओं को भी प्रस्तुत किया। बताते चले कि सीएनजी स्टेशन के स्थापना के लिए 4 विभिन्न कंपनियों द्वारा जिले में कार्य चल रहा है। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और गया में दिसंबर माह तक सीएनजी स्टेशन खोलने की कार्रवाई की जाएगी। छठ की छुट्टियों के बाद ऑफलाइन मोड में खुलेंगे स्कूल। 50% अटेंडेंस की लिमिट भी होगी खत्म। कोरोना जैसी महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई। लगभग 2.5 साल से जूनियर सेक्शन के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में ऑफलाइन मोड में स्कूल खुले तो सिर्फ तीसरे लहर की आशंका से डरे अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। लेकिन अब दीपावली और छठ की छुट्टियों के बाद राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर स्कूलों में जूनियर क्लासेस ऑफलाइन मोड में देखने को मिलेगा। छठ की छुट्टियों के बाद अब जब स्कूल खुलेंगे तो 50% अटेंडेंस की बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। एलकेजी और यूकेजी की पढ़ाई अब कोरोना महामारी के बाद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब प्री प्राइमरी के बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। पटना के ज्यादातर स्कूलों ने इसकी तैयारी कर ली है। राजधानी के कई बड़े स्कूलों में ऑफलाइन बोर्ड में क्लास शुरू कर दिया गया है।
बिहार के 6 शिक्षकों को सरकार ने किया सस्पेंड, गलत तरीके से वेतन लेने का आरोप। बिहार के सासाराम में नौहट्टा प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 6 शिक्षकों को सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये टीचर्स भवनाथपुर, जयंतीपुर और मधुकुपिया विद्यालय में तैनात थे। इनके ऊपर अनाधिकृत रूप से वेतन की राशि निकालने का आरोप है। इनके ऊपर तथ्यहीन स्पष्टीकरण देने का भी आरोप है। नौहट्टा के प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुराग आदित्य ने यह कार्रवाई की है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश पर बीडीओ ने शिक्षकों को निलंबित किया है। इन शिक्षकों पर अनाधिकृत रूप से वेतन की राशि निकालने का आरोप है। जानकारी के अनुसार 20 जुलाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नौहट्टा प्रखंड के विद्यालयों की जांच की गई थी। बिहार में वैक्सीन नहीं लेने वालों का बंद होगा राशन, कानूनी कार्रवाई भी होगी, डीएम का फरमान जारी। बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की जा रही है, लेकिन इसी बीच एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। डीएम ने एक फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक कोरोना का टीका नहीं लगवाने वालों का राशन बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कोरोना जांच नहीं करवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। जिलाधिकारी के इस फरमान के बाद से जिले में हड़कंप मच गया है। दरअसल मामला गया जिले का है। यहां डीएम अभिषेक सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, एसडीओ, बीईओ, बीपीएम जीविका, सीडीपीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी। बैठक में डीएम ने कहा कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है उन्हें 1 नवंबर से पीडीएस से राशन नहीं मिलेगा। जन वितरण विक्रेता को निर्देश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं को राशन देते समय टीकाकरण प्रमाण पत्र अवश्य देखें। ऐसे लोगों को समय समय पर कोविड-19 की जाँच करानी होगी। इनकार करने पर उन पर आपदा एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।